हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इंडिया के अंदर भी हवा में उड़ने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं, तो आप लोगों में से 50% लोगों का आंसर रहेगा नहीं, और काफ़ी लोगों का रहेगा कैसे। तो इन दोनों के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है SKY ड्राइविंग। तो यहां पे इस कंपनी ने एक कार बनाई है जिसका नाम है फ्लाइंग कार, जो हवा में उड़ती है। और इसके साथ साथ जिस गाड़ी का नाम है SD03 नाम है गाड़ी का। और इसके साथ साथ गुजरात की भी एक कंपनी है जिसका नाम है PALV, जो यहां पर एक कार बना रही है जो हवा में उड़ती है। और इस तरीके की कार है जो अब तक दो कंपनियां यहां पर बना चुकी हैं और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जो यहां पे जापान की कंपनी है, इसकी ने जो गाड़ी यहां पे डेवलप की है हवा में उड़ने वाली, इसके अंदर 8 इंजन लगे हुए हैं। अगर वहां पे एक इंजन एक टाइम पे काम भी ना करे, तो वहां पे 7 इंजन और भी हैं जो वहां पर आप लोगों को बचाएंगे, वो नीचे नहीं गिरने देंगे। और इसके साथ साथ यहां पे जो गाड़ियां बनाई जा रही हैं, इंडिया के अंदर भी कंपनी है गुजरात की जो ये गाड़ियां बना रही है, और जल्दी इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और जल्दी आपको ये मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फ्लाइंग कार आपको चाहिए, तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। करीब 2050 या 2060 तक आपको ये मार्केट में देखने को मिलेंगी। रीज़न क्या है, क्योंकि जो इसका प्राइस है मिनिमम 1 करोड़ रुपये से स्टार्टिंग है। बात प्राइस की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए भी लगा दें, बट इसका यूज़ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें कि अगर आप 1 करोड़ रुपया भी लगा देते हैं, तो ये कितनी देर हवा में उड़ेगी? ये 23 से 30 मिनट तक ही हवा में उड़ पाती है, उसके बाद इसको नीचे आना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर इस गाड़ी की हम बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, क्योंकि इंजीनियर ने इसको इलेक्ट्रॉनिक बनाया है। अगर इसको पेट्रोल या डीजल पर बनाया जाता, तो ये अगर हवा में उड़ती भी, और उस समय इसका लेवल बनाने के लिए पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा लग जाता, जिसके कारण अभी ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसके कारण 23 से 30 मिनट लग रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी गाड़ियाँ बनी हैं, वो 23 से 30 मिनट में ही नीचे आ जाती हैं। बट अगर हम बात करें कि ये जल्दी इसमें अपडेट भी किया जा सकता है, और ये इसको आने में टाइम लग सकता है। अगर इंडिया में पैसा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये गाड़ियाँ आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। बट इतना बजट हर किसी का नहीं है, और इसके लिए आपके पास एक लाइसेंस भी होना चाहिए, मिनी पायलट लाइसेंस। और इसका एक अलग डिपार्टमेंट ही बनाया जाएगा जब ये गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आएंगी। बट फिलहाल अभी इंडिया में आने की कोई उम्मीद नहीं अगले 20 से 30 साल तक। जब भी आएंगे आपको जरूर अपडेट मिलेगा, अगर मैं जिंदा रहा तो। फिलहाल आप ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।